जो ये मैंने लिखा है प्रीतम भाई, दो बातों को ध्यान रखते हुए लिखा है जो कि अक्सर हम लड़कों के साथ होती है। एक तो सच्चा प्यार नहीं मिलता और दूसरा कि रोक टोक बहुत करता है। तो बात कुछ ऐसी है यारो, वो कहती है रोक टोक बहुत करते हो तुम, कि बात कुछ ऐसी है यारो, वो कहती है रोक टोक बहुत करते हो तुम। उसकी ये बातें सुन थोड़ा मैं हैरान परेशान भी हुआ, कि उसकी ये बातें सुन मैं थोड़ा हैरान परेशान भी हुआ। फिर याद आई हकीकत जमाने की मुझको, नए के आ जाने पर पुराने की कमी खूबियां भी कमियां लगने लगती हैं, कि नए के आ जाने पर पुराने की खूबियां भी कमियां लगने लगती हैं। और जो वो कहती थी मेरी रोक टोक को कि मुझे तुम्हारी रोक टोक कदर लगती है, कि जो वो कहती थी मेरी रोक टोक को कि ये तुम्हारी कदर लगती है, आज वही उसे मुझे छोड़ जाने का कारण बना रही है। और जाते जाते भी वो यही कह गई, सच्चा प्यार वो क्या जो मुकम्मल हो जाए। तो उसी की बात को एक जवाब देते हुए मैंने मन ही मन उसको जवाब दिया कि तू कहती है वो इश्क सच्चा नहीं, कि तू कहती है वो इश्क सच्चा नहीं जो मुकम्मल हो जाए, एक बात बता इश्क में किसी तीसरे का आ जाना क्या हकीकत है। और अब जो कुछ लिखा है मैंने, ये ना कोई शेर है ना कोई शायरी है, ये बस एक दर्द, एक चीख, एक पुकार है, एक पीड़िता, एक अबला औरत कह सकते हैं जो हम बलात्कार से पीड़ित होती हैं उनके ऊपर है, कि उन्हीं की तरफ से एक सवाल समाज से, कि जिस्म से आबरू को नोचने का दर्द क्या तुम जानते हो, कि जिस्म से आबरू को नोचने का क्या दर्द तुम जानते हो, किसी लड़की के साथ बलात्कार होने का दर्द क्या तुम जानते हो। शर्म आती है मुझे अपने इस समाज पर, कि शर्म आती है मुझे अपने इस समाज पर जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, और जो नेता रैलियां निकालते हैं उन्हीं के बेटे बलात्कारी कह पाए जाते हैं, कि उन्हीं के बेटे बलात्कारी पाए जाते हैं। तुम क्या जानो दर्द मेरा, कि तुम क्या जानो दर्द मेरा, मुझे तो ये समाज भी हर पल मेरे उस दृश्य की याद दिलाता है, कि तुम क्या जानो दर्द मेरा, ये समाज भी मुझे हर पल उस दृश्य की याद दिलाता है। कभी कभी तो जिंदा भी नहीं रह पाती हूँ, कि कभी कभी तो जिंदा भी नहीं रह पाती हूँ। और अक्सर लोग अपने शोक को मिटाने के बाद मुझे जिंदा जला देते हैं, और क्या करूँ साहब, इस पर तवज्जो चाहूँगा मैं, कि और क्या करूँ साहब मैं, कि और क्या करूँ साहब इन खबरों में भी, कि इन खबरों में भी नेताओं और सितारों को ही जगह मिलती है, मेरी आवाज़ तो दबा दी जाती है क्योंकि अक्सर पत्रकार भी बिकाऊ कहला दिए जाते हैं। आखिरी में एक सवाल, कि कब तक अपनी आबरू को यूं ही बचाती रहूंगी, कि कब तक अपनी आबरू को यूं ही बचाती रहूंगी और न्याय के लिए लड़ती रहूंगी, न्याय के लिए लड़ती रहूंगी। धन्यवाद।